इस गांव का नाम मधिरा है। मधिरा के शांत वातावरण में एक समस्या भी थी। गांव के तीनों ओर बड़ा तालाब और छोटा सा जंगल था। मधिरा के अंदर जाने और आने के लिए एक ही मार्ग था, जंगल के रास्ते। इसलिए उस गांव में कोई भी अंधेरा होने के बाद उस मार्ग से नहीं जाते थे। गांव वाले भी अंधेरा होते ही उस मार्ग पर नहीं जाते। गांव वालों के भय के मुताबिक ही वह रास्ता बहुत ही भयानक था। मार्ग के बीच में कुछ अजीब तरह की प्रतिमाएं थी। आश्चर्य की बात यह है कि वे प्रतिमाएं दिन के समय दिखाई नहीं देती थी, सूर्यास्त के बाद ही दिखाई देती थी। मंधिरा में कुछ समय पहले अंधेरा होते ही जो जंगल के मार्ग से जाता था वह लौटकर नहीं आता था। उसके बाद वो जीवित है कि नहीं किसी को पता नहीं चलता था। इसलिए सभी लोग उस मार्ग को भूतिया मार्ग कहते थे। पता नहीं उस अजीब सी प्रतिमाएं क्यों कुछ लोग गायब हो रहे थे, उसका कारण क्या था किसी को भी मालूम नहीं था, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। वे थे उस गांव के बुजुर्ग गंगाराम दादाजी। दादाजी 102 साल के थे, भला आदमी और थोड़ा गुस्सैला थे। अगर वो कुछ भी कहते तो गांव के सारे लोग उनकी बात मानते थे, गांव के बड़े लोग भी। 20 साल पहले गंगाराम दादा का बेटा अमावस्या के दिन गुम हो गया था। तब से दादा की आज्ञा के अनुसार सूर्यास्त के बाद कोई भी उस भूतिया मार्ग से होते हुए गांव में नहीं आते थे और गांव छोड़कर नहीं जाते थे। अमावस्या के दिन अंधेरा होते ही कोई घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, तभी घर के अंदर ही डर डर कर रहते थे। उसी प्रकार पूर्णिमा के दिन सभी ढोल बजाते हुए गांव के दामन में बकरे की बलि देकर पीछे ना मुड़कर सभी लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। पर ऐसा आचार विचार क्यों कर रहे हैं, गांव के आधे लोगों को भी पता ना था। केवल गंगाराम दादाजी को पूरी बात मालूम थी, उनसे सवाल करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। इतने में कुछ समय बाद एक दिन उस गांव में मल्लेश नामक एक दूध बेचने वाला आदमी आया। देखो बेटा, जाने अनजाने में तुम पहली बार अपना व्यापार करने के लिए हमारे गांव आए हो। हमारे गांव में भूतिया मार्ग की वजह से कोई भी नहीं आता। तुम जो दूध बेचते हो वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हर दिन हमारे गांव वालों को ऐसे ही दूध बेचो, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हमारे गांव बिल्कुल मत आना।
हर दिन सूर्यास्त के पहले ही तुम गांव छोड़कर चले जाना, वरना तुम्हारे ऊपर खतरा है। ठीक है साहब, मैं पड़ोस के गांव का हूँ, यह जानकर भी आपके गांव में मुझे व्यापार करने के लिए दे रहे हैं, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, पर तुम्हारे जैसा अगर कोई अच्छा दही बेचने वाला हो तो लेकर आना। हमारे गांव में गाय के ना होने के कारण दूध और दही के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरा दोस्त कुमार बहुत ही स्वादिष्ट दही बेचता है, उससे कहकर कल से हम दोनों मिलकर आएंगे। हाँ, मैंने जो कुछ तुम्हें बताया अपने गाँव के बारे में, वह सारी बात उनको बता कर लाना। ठीक है साहब। ये कैसा जंगल है जो दिन में इतनी भयानक है? हाँ, जब मैं यहाँ आया तब मुझे बहुत ही डर लगा, इसलिए अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बाप रे, मैं अकेला बिल्कुल नहीं आऊंगा। डरने की बात नहीं है दोस्त, मदिरा के लोग बहुत ही अच्छे हैं। दूध और दही ज्यादा पैसा देकर खरीद रहे हैं, पर उनके कुछ नियम है, जब तक उन नियमों को नहीं तोड़ते तब तक हमारा व्यापार अच्छे से चलेगा। वे कौन से नियम है? मलेश कुमार को मदिरा के नियम और कायदे कानून के बारे में बताया। वे लोग मदिरा में बहुत अच्छी तरह से व्यापार कर रहे थे। कुछ समय बाद गांव के मुखिया अगर कोई भी घी बेचने वाला हो तो उसे भी लेकर आने को कहा। वे अपने दोस्त शंकर को अपने साथ लेकर आए, पर शंकर बचपन से ही सुन नहीं पाता था, उसे एकदम सुनाई नहीं देता था, वह बहरा था। मगर सामने वाला व्यक्ति जब बात करता था तब उसके होठों को देखकर समझ जाता था कि क्या कह रहे हैं। शंकर को देखे बिना उसके पीछे जाकर कुछ भी बात करो उसे सुनाई नहीं देता था। मलेश शंकर को भी मदिरा गांव वालों के नियम और कायदे के बारे में बताकर ले आया। तीनों का व्यापार बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। कुछ दिनों बाद शंकर घी बेचकर उन पैसों से एक साइकिल खरीदा। कुमार और मलेश शंकर से ईर्ष्या करने लगे और उसे नीचा दिखाना चाहते थे। पूर्णिमा अमावस्या के दिनों को छोड़कर बाकी सब दिन वे लोग दूध दही घी बेचकर आराम से चल रहे थे। किसी भी तरह शंकर के द्वारा गांव के नियम को तोड़वाना चाहते थे, ताकि गांव वाले शंकर को गांव में ना आने दे। ऐसे में एक दिन मलेश, आज अमावस्या है ना, गांव के नियमों के अनुसार आज हमें नहीं जाना चाहिए, तुम लोग क्यों जा रहे हो? हाँ, पर अमावस्या आज नहीं कल है। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं घी लेकर तुम लोगों के पीछे आता हूँ। ऐसा कहकर घर गया। शंकर को धोखा देकर दोनों आपस में हंसते हुए मदिरा ना जाकर अपने घर की ओर चले गए। इन सारी बातों से अनजान शंकर अपने साइकिल पर घी का मटका रखकर मदिरा की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचकर घी माँ जी, ताजा ताजा घी, अच्छी महक वाली घी, बोलिए घी घी, बोलिए घी माँ जी घी। हैं? क्या बात है, सबका दरवाजा बंद है, कोई भी नहीं है। ऐसा सोचते हुए पूरे गांव में घूमने लगा, मगर एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरा कोई चारा ना था, इसलिए वो घर की ओर लौट गया। शंकर की आवाज सुनकर गंगाराम दादा सोचे, इसे अमावस्या के दिन आने के लिए मना करने पर भी इस गांव में आया है, बेचारा मर जाएगा।
इस मार्ग से कई बार गया हूँ, पर मैं कभी इन प्रतिमाओं को नहीं देखा। इस जंगल में इन प्रतिमाओं को कौन रखा होगा? बहुत ही भयानक है। प्रियतम, ओ प्रियतम, तुम्ही को बुला रही हूँ, इधर देखो। प्रियतम, ओ प्रियतम, तुम्ही को बुला रही हूँ, इधर देखो। शंकर बहरा था, इसलिए चुड़ैल के बुलाने पर भी वो पीछे ना मुड़ा और वहां से चला गया। अगले दिन, दोस्त, कल अमावस्या थी, गांव में एक भी आदमी नहीं थे, तुम लोग भी मुझे दिखाई नहीं दिए। अरे, जब हम आधा रास्ता पहुंच गए तब हमें पता चला कि कल अमावस्या थी। हम तुम्हें बताना चाहते थे पर तुम हमें कहीं दिखाई ही नहीं दिए। हाँ ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर शंकर वहां से चला गया। क्या बात है दोस्त, इसे कुछ भी नहीं हुआ, गांव वाले भी इसे कुछ नहीं कहे। ये कहते हुए दोनों वहां से चले गए। गांव के दादाजी और गांव के कुछ बड़े लोग एक जगह पर एकत्रित हुए। क्या बात है दादा, इतने दिनों से अमावस्या के नियम कायदे बताकर सभी को डराते हो। वह शंकर अमावस्या के दिन पूरा गांव घूमकर अंधेरा होने के बाद उस भूतिया मार्ग से होता हुआ आया, पर उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, शायद चुड़ैल हमारे गांव को छोड़कर चली गई होगी। अब कोई नियम नहीं है, तुम लोगों को जैसा पसंद वैसा करो। कुछ समय बाद अमावस्या के दिन उस भूतिया मार्ग से होता हुआ एक व्यक्ति गांव की ओर आ रहा था। तभी चुड़ैल उसके पीछे पीछे आ रही थी। प्रियतम, ओ प्रियतम, तुम्ही को बुला रही हूँ, इधर देखो। ऐसा कहते ही हंसते हुए पीछे मुड़ा। डर कर चिल्लाने से पहले ही चुड़ैल जोर से हंसने लगी। फिर क्या था, रास्ते के बगल में ही एक पुतले के रूप में बदल गया। ओ प्रियतम, तुम्हें बुला रही हूँ, मेरी ओर नहीं देखोगे? इन सारी बातों से अनजान शंकर चुड़ैल के बुलाने पर भी नहीं सुनता था और वहां से चला जाता था। प्रियतम, ओ प्रियतम, तुम्ही को बुला रही हूँ, इधर देखो। प्रियतम, ओ प्रियतम। कल के दिन भी उस भूतिया मार्ग से तीन लोग गायब हो गए। हमारे गांव का एक आदमी, दूध बेचने वाला, दही बेचने वाला। इस अमावस्या के कुछ नियम है, पूर्णिमा के नियम। लेकिन उस शंकर को कुछ नहीं होता, वो तो उस भूतिया मार्ग से आता जाता है। उस चुड़ैल की क्या कहानी है, बताइए तो सही। उस चुड़ैल के बारे में जानकर क्या करोगे, मैं जो नियम बता रहा हूँ उसका आचरण करो, किसी को कुछ नहीं होगा। दादा, आज या कल आप गुजर जाएंगे, उस भूतिया मार्ग का रहस्य आपको छोड़कर किसी को नहीं मालूम। अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? मैं अपने दोस्तों के साथ गायों को चराता था, हम लोग बहुत खुशी खुशी और आराम से रहते थे। हमारे गांव में एक कारीगर था, उसका नाम आचारी था। उसकी कारीगरी बहुत ही अच्छी थी, उसे अपनी बीवी शिल्पा बहुत पसंद थी। पर एक जादूगरनी की बेटी कमला आचारी को पसंद करती थी। प्रियतम, ओ प्रियतम, मुझे देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, मुझे देखो ना। इस प्रकार कमला के कई बार बुलाने पर भी आचारी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आचारी को अपनी बीवी शिल्पा को छोड़कर कोई दूसरी महिला को देखना पसंद नहीं था। मगर एक दिन कमला बहुत ही सुंदर से तैयार होकर
अपने कारीगरी में व्यस्त आचारी को परेशान करने लगी, पर वह उसकी ओर बिना देखे ही हाथ में जो नकाशी करने वाली औजार थी, गुस्से में उसे पीछे की ओर फेंक दिया। वह कमला की नाक में जाकर लगी और वो नाक निकलकर नीचे गिर गई। यह सब देखकर गांव के लोग हंसने लगे और वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त ना कर पाई और रोते हुए जाकर गांव के दामन में बरगद के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ठीक उसी दिन अमावस्या थी। कमला चुड़ैल बनकर उस गांव के मार्ग में अंधेरा होते ही अगर अमावस्या के दिन कोई भी उस ओर आते, प्रियतम ओ प्रियतम मेरी ओर देखो कहकर बुलाती थी। अगर कोई पीछे मुड़कर देखता तो वे लोग अजीब किस्म की प्रतिमा के रूप में बदल जाते। इसलिए अमावस्या के दिन अंधेरा होते ही हमारे गांव में कोई ना आए और हमारे गांव से कोई बाहर ना जाए, यह नियम रखा गया है। पर शंकर को कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह चुड़ैल मुझे जितना भी बुलाए मुझे सुनाई ही नहीं देता और मैं पीछे मुड़ता भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। आज के बाद अगर हमें कोई जरूरी काम हो अमावस्या के दिन तो हम उस भूतिया मार्ग से कानों में रोई ठूस कर जाएंगे और हमें आवाज सुनाई नहीं देगी और हम बच जाएंगे। उस दिन की बात से चुड़ैल के आवाज देने पर भी हर कोई बिना पीछे मुड़े ही जाने लगे। इस प्रकार मदिरा के लोग चुड़ैल से छुटकारा पाए। प्रियतम ओ प्रियतम मेरी ओर देखो। प्रियतम ओ प्रियतम मेरी ओर देखो ना। कुछ समय बाद एक दिन, दादाजी मुझे कुछ शंकाएं हैं। क्या है पूछो। उस शिल्पी किशोर और उनकी बीवी शिल्पा का क्या हुआ? अमावस्या के दिन आत्महत्या करने से उस चुड़ैल को इतनी शक्ति कहां से मिली? अमावस्या के दिन मर जाने से पूर्णिमा के दिन क्यों बकरे की बलि दिया जाता है? आपने कहा था कि आप गायों को चराते थे, पर आपके गांव में तो एक भी गाय नहीं है। ये सारी बातें जानकर क्या करोगे? मेरे दोस्त जो पुतले के रूप में बदल गए हैं, शायद उन्हें मैं फिर से जीवित कर सकूं। तुम्हें अपने दोस्तों से बहुत प्यार है, पर प्रियतम ओ प्रियतम मेरी ओर देखो। ऐसा कहते ही दादा सर उठाकर देखे। फिर क्या था, दादा तुरंत ही एक पुतला बन गए। इसके बाद शंकर बिना पीछे देखे ही वहां से भाग गया। डरो मत, किसी भी तरह चुड़ैल से बचकर आ गए हो ना। कुछ भी हो वो यहाँ नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ सकती? आएगी। दादा के कहने के मुताबिक वो चुड़ैल दिन के समय दिखाई नहीं देगी, पर वो दिन के समय ही आकर दादा को पुतला बना दी। वो अपने गांव में ऐसा की है, पर हमारे गांव क्यों आएगी? कहा जाता है वह चुड़ैल भूतों का मार्ग छोड़कर गांव के दामन पार करके गांव में नहीं आएगी। पता नहीं कैसे वो दिन के समय गांव के दामन को पार करके गांव में आ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे गांव भी आ गई तो इसलिए डर लग रहा है। बाप रे, अब क्या करें? एक रास्ता है, हम तांत्रिक दादी को सारी बातें बताकर उनसे सलाह लेते हैं। हाँ दादी जरूर कुछ ना कुछ सलाह देगी। अगले दिन शंकर तांत्रिक दादी के पास जाने लगा। तांत्रिक दादी अच्छी थी, पर कुछ क्षुद्र पूजाएं करती थी, मुर्गियों और बकरियों को बलि देती थी, इसलिए उसे गांव से निकाल दिया गया था।
दादी अकेले ही एक छोटे से झोपड़ी में गांव से दूर एक जंगल में रहती थी। मुझे गांव से निकाल दिया गया, फिर क्यों आए हो मेरे पास? दादी नाराज मत होइए, हमें माफ कर दीजिए। हमारा गांव चुड़ैल की मुसीबत से जूझ रहा है, सिर्फ आप ही हो जो हमें बचा सकती हो। इस प्रकार शंकर ने तांत्रिक दादी को सारी बातें बताई। सारी बातें सुनकर दादी बोली, तुम बहरे हो इसीलिए तुम बच गए हो। डरो मत, वो चुड़ैल हमारे गांव नहीं आएगी। आप कैसे कह सकती हो कि वो नहीं आएगी? तुम्हारे कहने के मुताबिक किसी ने उस चुड़ैल को भूतिया मार्ग पर बंदी बना कर रखा है ताकि वो उस गांव के दामन को पार ना कर जाए। असल में वो चुड़ैल कौन है? वो क्या सभी को पुतले में बदल रही है? जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अरे दादा को उसके बारे में सब कुछ पता था, पर मेरे आँखों के सामने ही उन्हें पुतला बना दी। तो एक काम करो, किसी भी तरह उस दादा के पुतले से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आओ। बाप रे, मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा। डरो मत, अगर तुम थोड़ी हिम्मत दिखाओगे तो हम उस गांव वालों को बचा सकते हैं। ठीक है तो फिर मैं अभी जाता हूँ। हाँ, आते वक्त एक कौवे को भी साथ लेकर आना। कौवा क्यों दादी? अगर दादा की आत्मा से बात करनी हो तो कौवे की बलि देनी पड़ेगी, जल्दी लेकर आओ। शंकर भूतों के मार्ग पर डर डर कर जा रहा था। रास्ता पूरा सुनसान था। गांव में जाकर देखने पर दादा का पुतला नहीं था। तब उसे याद आई कि वे पुतले सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देते हैं। बाप रे, क्या मैं अंधेरा होने तक यहीं रुकूं? अगर वो चुड़ैल आ गई तो? ये कहकर दौड़ता हुआ गांव में गया। गांव में एक भी आदमी नहीं था। सभी लोग दरवाजे बंद करके डर के मारे घर के अंदर ही थे। इतने में अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही वह पुतला दिखाई दिया। भूतिया मार्ग पर अकेला ही डर डर कर जाने लगा। इतने में वह चुड़ैल पीछे से बुलाने लगी, पर उसे सुनाई ना देने के कारण वह पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। किसी भी तरह वो गांव का दामन पार करके अपने घर पहुंच गया। अगले दिन उस मिट्टी की पोटली को और एक कौवे को लेकर दादी के पास गया। गाब्रा जमांजू, गाब्रा जामा, गाब्रा जमांजू। गाब्रा जामा, गाब्रा जमांजू, गाब्रा जामा, गाब्रा जमांजू। वह देखो, दादा की आत्मा दिखाई दे रही है। पूछो, तुम्हारी क्या शंका है? ठीक है दादी। दादा, वो चुड़ैल गांव में नहीं आएगी। आपने कहा दिन के समय वो बिल्कुल नहीं आएगी, पर वो दिन के समय आकर आपको पुतला बनाकर चली गई। मेरे कहने के मुताबिक हर पूर्णिमा को बकरे की बलि देकर उसके खून को गांव के दामन में डालो। ऐसा करने से वो गांव के अंदर नहीं आएगी। चुड़ैल से छुटकारा मिल गया यह सोचकर गांव के लोग नियमों का पालन करना छोड़ दिए।
इसलिए वो चुड़ैल दिन में भी आ गई। दादा, असल में वो चुड़ैल कौन है? वो इतने प्यार से क्यों बुला रही है? पीछे मुड़कर देखने पर क्यों पुतले के रूप में बदल जा रहे हैं? क्या हम आपको और गांव वालों को उस चुड़ैल के चंगुल से नहीं बचा सकते? बचा नहीं सकते, क्योंकि वह चुड़ैल एक तांत्रिक औरत की बेटी कमला है। हमारे गांव के लोगों से बदला लेना चाहती है। कमला दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत थी। गांव वाले कमला की मजाक उड़ाते थे, पर कमला उनके बातों पर ध्यान नहीं देती थी। कुछ दिनों बाद आचारी नामक एक शिल्पी अपनी पत्नी शिल्पा के साथ उस गांव में आया। उनकी शिल्प कला बहुत ही अच्छी थी। उनके द्वारा बनाए गए पुतले सच के लगते थे। इसके उसके मुंह से सुनकर अंत में यह बात कमला को भी पता चली। अंधेरा होने के बाद सभी के नजरों से बचकर जाकर उन पुतलों को देखती थी और बहुत खुश होती थी। इतने में एक दिन, पता नहीं वो शिल्पी कितना सुंदर होगा जो इतने सुंदर सुंदर पुतले बनाया है, किसी भी तरह उसे शादी करनी है, ऐसा सोचने लगी। अगले दिन शिल्पी को देखने के लिए उसके पास गई। कहाँ जा रही हो? उसने जाकर अपनी माँ से अपने दिल की बात कही। इतना सुंदर दिखने वाला तुम जैसा कुरूपी से क्यों शादी करेगा? वैसे भी उस शिल्पी की शादी हो चुकी है। माँ के कितना समझाने पर भी कमला नहीं मानी। अगर शादी करूंगी तो उस शिल्पी से ही करूंगी, कहकर जिद में अड़ी रही। वह बेटी का दुख देख नहीं पाई। ठीक है, तो फिर यहाँ आओ। काओ, काओ, काओ। फिर क्या था, कमला सुंदर परी जैसी बन गई। इतनी खूबसूरत कि वह अपनी खूबसूरती को निहारती रह गई। कमला, आज अमावस्या है, हर अमावस्या को तुम इतनी ही खूबसूरत बन जाओगी। तुम पीछे से जिसे प्यार से बुलाओगी, अगर वो पीछे मुड़कर देखे तो बस वे तुम्हारे वश में आ जाएंगे। अगर तुम अपने पहले रूप में भी आ जाओगी तो भी उनके नजर में तुम उतना ही खूबसूरत लगोगी। जाओ, जाकर उसे अपने वश में करो। कमला उसे अपने वश में करने के लिए गई। वह शिल्पी कुछ शिल्प कला का काम कर रहा था। कमला के पुकारने पर भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मुड़कर देखो, कमला के लाख पुकारने पर भी आचारी पीछे मुड़कर नहीं देखता था, और वह दुखी होकर चली जाती थी। फिर अमावस्या के दिन आकर पुकारती थी। प्रियतम, ओ प्रियतम, एक बार मेरी ओर मुड़कर देखो। इस प्रकार कई अमावस्याएं बीत चुके थे। अंत में एक अमावस्या के दिन शिल्प कला में मग्न आचारी के पीछे से आकर कमला ने कहा। आखिर में तंग होकर आचारी ने बिना पीछे देखे ही हाथ में जो औजार थी उसे पीछे की ओर फेंका। वह कमला के नाक में जाकर लगी। फिर क्या था, नाक कटकर नीचे गिर गई। इतना खूबसूरत होते हुए भी बिना नाक के उसे देखकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। तरह तरह की बातें कहकर हंसने लगे, और वो बर्दाश्त ना कर पाई और दौड़ते हुए जाकर गांव के दामन में जो पेड़ था उसमें फांसी लगा ली। अरे, बेचारी इतने प्यार से बुलाने पर शिल्पी पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा? क्योंकि वह शिल्पी तुम्हारे जैसा बहरा था। दिन के समय ही वो चुड़ैल गांव के अंदर आ गई है, उसे गांव के अंदर आने से कैसे रोका जा सकता है?
गांव के दामन में बकरे की बलि देकर उसका खून वहां पर डालो। असल में गांव के दामन में खून क्यों डालना है? असल में वो कमला मरकर चुड़ैल कैसे बनी? बताऊंगा, पर गांव में लोग चुड़ैल से डरकर घरों से बाहर ना निकलकर भूख से रह रहे हैं। पहले उनको बचाओ। यह सब देख रहा शंकर वहां से भाग गया। जैसे ही शंकर बकरी की बलि देकर उसका खून डालने लगा, तभी दूसरी चुड़ैल आकर अपने लंबे जुबान से उस खून को पीने लगी। उसी वक्त उस गांव में दिन के समय घूमने वाली चुड़ैल की शक्ति कम हो गई और वह गायब हो गई। यह सब देखकर शंकर डर गया और वापस गांव की ओर चला गया। ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। और वह गायब हो गई। यह सब देखकर डर के मारे शंकर वहां से अपने गांव भागकर सीधे तांत्रिक दादी के पास गया। क्या बात है, डर के मारे कांप रहे हो? बाप रे, किसी भी तरह बचकर आ गया, वरना मैं आज मर जाता। ठीक है, पर क्या मैं दादा की आत्मा को बुलाऊं? तुमने कहा कि तुम्हें और भी कुछ शंकाएं हैं। नहीं दादी, दादा से पूछकर कोई लाभ नहीं है। दादा हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम्हें दादा पर क्यों शक हो रहा है? दादा जब जीवित थे तब उन्होंने कहा था, आचारी शिल्पी अपनी बीबी से बहुत प्यार करता था, अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री को देखता भी नहीं था, इसलिए कमला के ऊपर औजार फेंका था। ऐसा दादा ने आत्मा के रूप में आकर बताया था। शिल्पी मेरे जैसा बहरा था, इसलिए मुड़कर नहीं देखता था। अगर शिल्पी सचमुच बहरा होता तो उसे कैसे पता चला कि कमला पीछे से उसे तंग कर रही है? इसके अलावा जब मैं गांव के दामन में खून डाला तो उस वक्त कोई दूसरी पिशाच आकर खून पीने लगी। असल में वो चुड़ैल कौन है? जब कमला गाँव के लोगों को पुतले के रूप में बदलकर मार रही है, तब यह चुड़ैल लोगों को कमला के चंगुल से क्यों बचा रही है? ये सारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। गंगाराम दादा कुछ सच में छुपा रहे हैं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी दादा के ऊपर कुछ शक हो रहा है। पर दादी, उस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो वह चुड़ैल उन लोगों को पुतला बनाकर मार देगी। किसी भी तरह तुम्हें उन लोगों को बचाना होगा। ठीक है, फिर चलो उस गांव में जाते हैं। तुम गांव के दामन पे जहां खून डालते हो, मुझे वहां पर ले चलो। इतनी रात को मैं नहीं आऊंगा, मुझे डर लग रहा है। मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की क्या बात है? चलो चलते हैं। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। दादी, चुड़ैल के बुलाने पर पीछे मुड़कर मत देखना, वरना तुम भी पुतला बन जाओगी। तब उस गांव के लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे वह चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी, पर तुम हिम्मत के साथ चलो। पता नहीं दादी मेरे पीछे आएगी या फिर पुतला बन जाएगी। पीछे मुड़कर देखने से भी डर लग रहा है। दादी, दादी, तुम आ रही हो ना? मैं तो भूल गई, ये तो बहरा है ना। तुम पीछे मत मुड़ना, वह चुड़ैल तुम्हारे पीछे पीछे आकर तुम्हें बुला रही है। बाप रे दादी, तुमने देखा है ना, तुम भी पुतला बन जाओगी। सावधानी से रहना। शांत हो जाओ, डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे माथे पर बेताल चिन्ह है, कोई भूत आत्मा या फिर पिशाच मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम बिना बात किए चलो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं आ रही हूँ।
प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। शंकर कुछ भी हो जाए पर तुम सिर्फ मुझे ही देखना, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। गाबरा जामाजू, गाबरा जामाजू। क्यों बुलाई? तुम कौन हो? मैं इस गांव के दामन में रहने वाली चुड़ैल हूँ। मुझे छोड़कर कोई पिशाच आत्मा भूत इस दामन को पार कर गांव के अंदर नहीं आ सकती। शंकर डरो मत, मैं हूँ ना ये चुड़ैल जो कह रही है, क्या तुम्हें वो सुनाई दे रही है? शंकर को दिखाई दे रही है, इसका मतलब सुनाई दे रही है ना? ओई दामन वाली चुड़ैल, ये कमला कौन है? वह क्यों लोगों को पुतले में बदल दे रही है? तांत्रिक मलिजा की बेटी कमला मदिरा गांव में नए नए आए शिल्पी से प्यार करने लगी, पर वह शिल्पी शादीशुदा था, ये बात कमला जानती थी। शिल्पी द्वारा बनाई गई शिल्प कलाओं को रात के समय अकेली ही जाकर देखती थी और फिर बहुत खुश हो जाती थी। पर गंगाराम दादा का बेटा जयराम कमला से प्यार करता था। अपने प्यार के बारे में कमला को बताने की हिम्मत न थी, इसलिए वह अपने पिताजी को बताया। पिताजी, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कमला से ही शादी करूंगा, आप उनके घर जाकर बात करके आइए। तांत्रिक की बेटी से शादी करना चाहता है, वो भी दिखने में बदसूरत है। उसके साथ शादी होने से गांव में मेरी इज्जत चली जाएगी, किसी भी तरह से इसके प्यार को हटाना होगा। गंगाराम को अपने बेटे की प्यार को दूर करने के लिए एक मौका मिला। कमला और आचारी शिल्पी के बीच नाजायज संबंध है कहकर गांव में सभी को बताने लगे। गांव के कई लोगों ने कमला को आचारी के घर के पीछे मूर्तियों को देखने के लिए जाते हुए देखा था, इसलिए गांव के लोग गंगाराम की बातों पर विश्वास करने लगे थे। सभी के मुंह से ये बात सुनकर शिल्पी की बीवी अपने पति से झगड़ा कर अपने मायके चली गई। मौका देखकर गंगाराम ने शिल्पी से ये बताया कि तुमसे शादी करने के लिए शायद कमला ही ये सारी अफवाहें फैलाई होंगी। इन सारी बातों से अनजान कमला ये सोचती थी कि वह खूबसूरत नहीं है, शायद इसीलिए आचारी उसकी ओर देखता नहीं। उसकी माँ मलिजा अपनी मंत्र शक्ति से अमावस्या के दिन खूबसूरत कन्या के रूप में बदलकर वह जिसे भी पुकारेगी, अगर वो पीछे मुड़कर देखा तो वो उसके वश में आ जाएगा। उसने ये वर पाई थी, पर उसकी वजह से ही आचारी की पत्नी शिल्पा घर छोड़कर चली गई थी, इसलिए गुस्से से आचारी ने औजार फेंक कर मारा, पर कमला की नाक कट कर गिर गई। इस बेइज्जती को सहन न कर पाई और अपने आप को फांसी में लटका ली। असल में कहानी तभी शुरू हुई। कमला, तुम्हारी आत्मा को मैं चुड़ैल में बदलूंगी, जो लोग तुम्हें देख कर हंसे हैं उनसे तुम बदला लेना। प्रियतम,
ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। वो कमला मर गई है, फिर पुकार कौन रहा है? मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार होने वाले इस गांव के लोगों को मैं नाश कर दूंगी। इस प्रकार मलीचा उस गांव से बदला लेना चाहती थी। अपने शुद्र शक्ति से हर दिन रात को शुद्र पूजा करती थी। उस गांव में गाय आदि जानवर अचानक से मरने लगे थे। ये सब देखकर मदिरा गांव के लोग बहुत डर गए। जब लोगों को पता चला कि ये सब मलीचा कर रही है, तो गांव वाले उसे पेड़ से बांध दिए और पत्थरों से मारने लगे। मलीचा, तुम्हारी क्षुद्र पूजा के कारण गाय मर गई। अपनी क्षुद्र पूजाओं को रोको, वरना जलाकर राख कर देंगे। मुझे मानने पर भी मैं अपनी क्षुद्र पूजा नहीं छोड़ूंगी। आगे से इस गांव में गाय और भैंस जीवित नहीं रहेंगे। लोगों ने गुस्से से मलीचा को जीवित ही जला दिया। तब से लेकर उस गांव में एक भी गाय जीवित नहीं रहती थी। दूसरे गांव से लाने पर भी रात होते ही मर जाती थी। सभी लोग धैर्य से रहो, मैं अपनी गांव की सारी बातें बताकर मयंक से एक बड़े तांत्रिक को लेकर आया हूँ। तांत्रिक जैसा बता रहे हैं हमें वैसा करना है, तभी हमारी दुख दूर हो सकेगी। स्वामी जी, हमारे गाँव में एक भी गाय या भैंस जीवित नहीं रही, उस मलीचा के श्राप की वजह से। अमावस्या के आते ही जो भी बाहर जा रहे हैं वो फिर लौट कर नहीं आ रहे, और फिर अंधेरा होते ही अजीब से पुतले, उन्हें देखते ही डर लग रहा है। आप ही हमें बचा सकते हैं। एक चुड़ैल को रोकने की शक्ति सिर्फ दूसरे चुड़ैल में ही होती है। मैं महादृष्ट नामा की क्षुद्र पूजा करके तुम्हारे गाँव की रखवाली के लिए एक चुड़ैल को गाँव के दामन में रखूंगा। उसको पार करके कोई चुड़ैल, पिशाच या आत्मा गाँव के अंदर नहीं आ सकती। पर क्या है ना, हर पूर्णिमा को खून से उस धावन में रहने वाली चुड़ैल का पेट भरना होगा। अंधेरा होते ही गांव से बाहर मत जाना और गांव के अंदर मत आना। अमावस्या के दिन घर में ही रहना। ऐसे कितने दिन करना होगा तांत्रिक? बिना आयु के पूरे हुए ही मरकर आत्मा बन जाते हैं। उसकी आयु पूरी होने तक वह इस भूमि पर ही रहकर आयु के पूरा होते ही वह विश्व में मिल जाती है। तब तक तुम लोगों को अमावस्या और पूर्णिमा के नियमों का पालन करना पड़ेगा, यह जरूरी है। तांत्रिक, कृपया हमें उस तांत्रिका के श्राप से मुक्ति दिलाइए, ताकि हम फिर से पशुओं को पाल सके। ऐसा करने के लिए उस तांत्रिका का होना जरूरी था, पर तुम लोगों ने गुस्से में आकर उसे मार डाला है। वह श्राप मैं तो क्या, कोई भी नहीं हटा सकता। ओम ओम हवाया भी, ओम ओम हवाया भी। इस प्रकार इस तांत्रिक के द्वारा मुझे इस गांव की रखवाली के लिए इस गांव के दामन में रखा गया। मेरी वजह से ही कमला उस भूतिया मार्ग को पार करके गांव में नहीं आ पा रही है। पर उस गांव के लोगों की रक्षा कैसे की जा सकती है? वह नामुमकिन है। कमला की आयु पूरी होने तक इस गांव के लोगों को हर पूर्णिमा को खून से मेरा पेट भरना है। अमावस्या के नियमों को पालन करना है। पूर्णिमा के नियम, अमावस्या के नियमों को पालन करने तक किसी को कुछ नहीं होगा। शंकर सारी बातें मदिरा के लोगों को बताया और दादा के बताए गए नियमों का पालन करने के लिए कहा और दादी के साथ चला गया। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। तुम्हारी मदद से इस गांव के लोगों को बचा पाए, मैं बहुत खुश हूँ। दादी, दादी आ रही हो ना? हाँ, पर तुम पीछे मुड़ के मत देखना। दादी आ रही हो ना? मैंने कहा ना, पीछे मुड़कर मत देखो, बहरा कहीं का। शंकर बहुत अच्छा था, पर उसका पत्थर में बदल जाना जादूगरनी दादी को अच्छा नहीं लगा। वह किसी भी तरह से शंकर को बचाने के लिए वह शंकर की शिला की चारों ओर नक्षत्रकार रंगोली बनाकर गांव की ओर निकल पड़ी।
सारी बातें बताई। शंकर की पत्नी रोने लगी। रो मत, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करोगी तो शंकर को बचा सकते हैं। तुम जैसा बोलोगी दादी मैं वैसा ही करूँगी। मैं अपने पति को बचाना चाहती हूँ। पर मधीरा जाने वाली भूतिया रास्ते में तुम्हें बड़ी भयानक मूर्तियाँ दिखाई देंगी। उसमें से एक मूर्ति के चारों ओर एक नक्षत्रकार रंगोली बनी होगी। वह मूर्ति तुम्हारे पति की है। उसे अपने साथ अपने घर ले आओ, ज्यादा समय नहीं है। देर हो गई तो हम शंकर को नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, अभी जाती हूँ दादी। विमला, एक जरूरी बात, तुम जब उस रास्ते से गुजरोगी तो तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी। प्रिया, ओ प्रिया, मुझे देखो वाली आवाज, वह बुलाने वाली चुड़ैल है। गलती से भी उधर मत देखना, अगर पीछे मुड़ोगी तो तुम भी पत्थर बन जाओगी। ठीक है दादी। जाने की ताकत तुम में नहीं है, पीछे लौट जाओ। मेरी हंसी उड़ाकर मेरी मृत्यु का कारण उस गांव के लोग ही है। मैं उन सबको मार डालूंगी सोची थी, पर वह तांत्रिक ने मुझे मेरे रास्ते की रुकावट बना दिया। इस रास्ते से जाने वालों को मारकर खुशी मिलेगी सोची थी, पर वह शंकर मेरे रास्ते का रोड़ा बन गया, इसलिए मैंने उसे मारकर पत्थर में बदल दिया। तुम इस सीमा को पार करके गाँव के अंदर नहीं जा पाओगी, चली जाओ। तुम अपनी भूख इस गांव के लोगों द्वारा पूर्णिमा के दिन दिए जाने वाले बकरे की खून से बुझा रही हो, पर तुम्हें मुझे सीमा पार करने से रोकने की ताकत मात्र उस तांत्रिक की मंत्र शक्ति और आत्म शक्ति के कारण मिली है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मेरी माँ भी तांत्रिक है, क्या तुम ये बात भूल गई? ऐसा नहीं हो सकता, मलीजा की आत्मा अभी तक यही है। नहीं, मेरी माँ की आत्मा तो अपनी आयु पूरी करके संसार में मिल चुकी है, पर मेरी आयु पूर्ण होने के दो अमावस्या पहले ही वह तांत्रिक भी मर जाएगा। तांत्रिक मर जाएगा तो क्या हुआ? मुझे मृत्यु नहीं आएगी और मैं तुम्हें इस गांव में घुसने नहीं दूंगी। तांत्रिक के मरे हुए दो दिन बीत गए, मतलब और 9 दिनों बाद उसकी आत्मा इस विश्व में मिल जाएगी। उसकी ताकत से तुम बंधी हो, उसके मरते ही तुम मुझे तो क्या एक छोटे से बाल भूत को भी नहीं रोक पाओगी। तुमने जो भी कहा वो झूठ है, जाओ यहाँ से, चली जाओ। आज से ठीक 9 दिन बाद मुझे रोकने की ताकत तुम्हारे पास नहीं होगी, तब मैं गांव में घुसकर सारे लोगों को मारकर अपना बदला पूरा कर लूंगी। अरे बाप रे, कैसा रास्ता है ये, यहाँ की शिलाएं तो बड़ी भयानक है। प्रिया, ओ प्रिया, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रिया, ओ प्रिया, पीछे मुड़कर नहीं देखोगे? प्रिया, ओ प्रिया, पीछे मुड़कर नहीं देखोगे? दादी ने ठीक कहा था, ये चुड़ैल तो मेरे पीछे पीछे आ रही है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। प्रिया, ओ प्रिया, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रिया, ओ प्रिया, शंकर की शिला को मैं आदमी में बदल दूंगी। प्रिया, ओ प्रिया, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रिया, ओ प्रिया। शीला को मैं आदमी में बदल दूंगी। प्रिया, ओ प्रिया, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रिया, ओ प्रिया।
बड़ी ही कठिनाई से बिमला शंकर की शिला को लेकर दादी के पास आई। पहले ही दादी रंगोली डालकर मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। गाबरा जामाजू, गाबरा जामाजू। शाबाश बिमला, तुमने कर दिखाया। पता नहीं क्या कर दिखाया या नहीं, पर शिला बहुत भारी है। खींचते खींचते मेरी जान निकलने लगी थी सच। फिर बीच बीच में उस चुड़ैल द्वारा पुकारना मुझे बहुत डर लग रहा था। दादी अब बताओ क्या करना है मुझे अपने पति को जीवित करने के लिए। मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को शरीर के हर भाग से जाने में कम से कम 9 घंटे का समय लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हें वहां जाकर शंकर की शिला को लाने के लिए कहा। और मैंने मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ किया और चंदन तैयार किया। अब मुझे क्या करना होगा। शंकर की आत्मा शिला को छोड़कर जाने से पहले इस चंदन का लेप करना होगा, तब आत्मा कैद हो जाएगी। कितनी देर बंदी बना सकते हैं। ये चंदन पपड़ी बनकर झड़ने से पहले। तब तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है दादी, किसी भी तरह से मेरे पति की रक्षा कीजिए। हाँ हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, चलो मदिरा की सीमा पर जाकर सीमा चुड़ैल से सहायता मांगते हैं। बिमला उस चुड़ैल के बुलाने पर तुम बहरे पति की तरह रहना, पीछे मुड़कर मत देखना। ठीक है दादी, नहीं देखूंगी। प्रिया, ओ प्रिया, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रिया, ओ प्रिया, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रिया, ओ प्रिया, पीछे मुड़कर देखो ना। गाबरा जामाजू, गाबरा जामाजू। मुझे फिर क्यों बुलाया गया। इस कमला चुड़ैल ने शंकर को भी शिला में बदल डाला, उसे कैसे बचाएं। उतनी ताकत मुझ में नहीं है, कैसे जीवित करना है। ये गुरु मयंग में एक बड़े तांत्रिक रहते हैं, यदि चाहे तो जीवित कर सकते हैं। हमारे पास मयंग जाने का समय नहीं है। जाने पर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे गुरुजी को मरे हुए 2 दिन हो गए। मर गए, तुम्हें कैसे पता चला। कमला चुड़ैल ने आकर मुझे बताया और मुझे डरा कर गई है। तांत्रिक के मरने के 2 अमावस्या के बाद उसकी आयु भी समाप्त हो जाएगी। कहा कि अपनी आत्मा शक्ति और तंत्र शक्ति से मुझे बनाने वाले मेरे तांत्रिक मर गए और 9 दिनों में मेरी सारी शक्तियां कम हो जाएंगी। तब मैं उसे गांव में जाने से रोक नहीं पाऊंगी, तब वह उस पूरे गांव के लोगों को मार डालेगी। आप ही बचा सकती हैं। उसे गांव में जाने से मैं रोक नहीं पाऊंगी। इस गांव को बचाने के लिए पहले शंकर का जीवित होना जरूरी है। इस मंत्र के द्वारा तांत्रिक काबरा मुग्गों में इसे रखकर आदमी के रक्त में भिगोकर हमारे गुरु के आत्मा से बात कर सकते हैं। तुम्हारी सहायता हम कभी नहीं भूलेंगे। चलो विमला, तुम्हारे पति को बचाते हैं। इस गांव की जनता की रक्षा करना मत भूलना। गाबरा जामाजू, गाबरा जामाजू। मुझे पता था ऐसा एक दिन जरूर आएगा। तांत्रिक कैसे जानते हो। मदिरा की सीमा पर सीमा चुड़ैल की चौकीदारी रखने के बाद। ऐसे कितने दिनों तक करना होगा तांत्रिक जी। आयु समाप्त होने से पहले जो लोग जबरदस्ती मर जाते हैं उनकी आत्मा अपनी आयु पूरी करने के बाद विश्व में मिल जाती है। तब तक आप लोगों को अमावस्या और पूर्णिमा के नियमों का पालन करना होगा। तभी मैंने अपनी तपस्या शक्ति से देखा कि कमला की आयु से मेरी आयु 89 दिन ज्यादा है। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कमला चुड़ैल सीमा चुड़ैल को पार नहीं कर सकती, इसलिए मैं निश्चिंत होकर अपने गांव मयंग चला गया। पीछे मुड़कर देखो ना। प्रिया, ओ प्रिया, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रिया, ओ प्रिया, पीछे मुड़कर देखो ना।
मेरी आयु अब सिर्फ 5 महीने की है। अब मैं जनता से इसी तरह अपना बदला लूंगी। मतलब तांत्रिक ने इस सीमा रक्षक चुड़ैल को गांव की निगरानी के लिए रखा था, इसलिए वे चाहते थे कि तांत्रिक मर जाए और सीमा रक्षक चुड़ैल की ताकत कम हो जाए ताकि वे गांव में घुस सके। अगर ऐसा है तो वो तांत्रिक कब मरेगा और हमारा बदला पूरा कब होगा? मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि उसकी आयु तुम्हारी आयु से अधिक है। पर कैसे माँ, मेरी मृत्यु के कारण इसी गांव के लोग हैं। क्या मेरा बदला पूरा नहीं होगा? जरूर पूरा होगा तुम्हारा बदला। मैं अपनी आयु तुम्हें दे दूंगी। तांत्रिक के मरने के बाद तुम्हारे पास 2 अमावस्या का समय होगा। तब सीमा रक्षक चुड़ैल की ताकत समाप्त हो जाएगी और तुम गांव में सभी को मारकर अपना बदला ले लेना। मलीजा ने जो आत्मदान किया था मुझे जब तक पता चला तब तक मैं भयोग में था, महेश दीक्षा में था, इसलिए मदिरा नहीं आ सका। अब कुछ ही दिनों में सीमा चुड़ैल की शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी, तब हम उस गांव के लोगों की रक्षा कैसे करेंगे? सूर्योदय के समय चुड़ैल नहीं आ सकती, तभी उस गांव के लोगों को गांव छोड़कर जाने के लिए कहना। 2 अमावस्या बीतने तक गांव में वापस आने से मना कर देना। कुछ घंटों पहले ही शंकर को पत्थर में बदल दिया गया है, ऐसा क्या किया जाए जिससे वो वापस आदमी बन जाए? अब तक तो आत्मशिला छोड़कर जा चुकी होगी, फिर जीवित करना संभव है? नहीं तांत्रिक, मैंने आत्मा को बंदी बनाने वाले मंत्र में चंदन मिलाकर शिला पर लेप कर दिया है ताकि वो शिला को छोड़कर आत्मा बाहर न जा सके। शाबाश, तब तो बेताल की मुद्रा उस शिला पर लगाने से वह आदमी बन जाएगा, पर बेताल की मुद्रा प्राप्त करना बहुत कठिन है। तांत्रिक, मेरे पास बेताल की मुद्रा है। 11 वर्ष की कठिन तपस्या करके प्राप्त की गई बेताल की मुद्रा तुम आज उस आदमी के लिए दे रही हो। एक बार सोच लो, तुम्हारी आधी ताकत कम हो जाएगी। तुम्हें स्वीकार है? कोई बात नहीं तांत्रिक, आप उस मंत्र का उच्चारण कीजिए। शंकर को दादी ने एक एक बात मोतियों की माला की तरह पिरो पिरो कर बताई। ये क्या, मेरा बहरापन चला गया, सब सुनाई दे रहा है। शिला से आदमी बनने के बाद तुम्हारा बहरापन चला गया? सब तुम्हारी कृपा है दादी, कल सवेरा होते ही हम सारी बातें मदिरा के प्रजा को बताकर गांव खाली कर देंगे। ये तो ठीक है, पर सीमा चुड़ैल की ताकत कम होने पर कमला गांव में जाकर उन लोगों को न पाकर ढूंढते हुए यदि दूसरे गांव में चली गई तो? यह विचार कभी हमें नहीं आया, तब हमें क्या करना होगा तांत्रिक? उस भूतिया रास्ते के इस तरफ एक और सीमा चुड़ैल महादृष्टि जैसे क्षुद्र पूजा करके उसे चौकीदारी करने के लिए रख देंगे। उस क्षुद्र पूजा को कैसे संपन्न करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। दूसरे दिन शंकर बिमला दादी ने जाकर गांव में सारी घटना सुनाई और बताया कि तांत्रिक के बताए अनुसार 2 अमावस्या तक सब लोगों को यह गांव छोड़ना होगा, पूरा गांव खाली करना होगा। कुछ दिनों बाद 9 दिन बीत गए, उस सीमा रक्षक भूत ने मेरा कुछ नहीं किया। ये क्या, एक आदमी भी नहीं है गांव में? ऐसा सोचकर कमला
शैतानी रास्ते से कूदते हुए आई तो उसे ऐसा लगा कि कोई ताकत उसे रोक रही है। वह सीमा पार नहीं कर पा रही थी। तभी एक और सीमा रक्षक चुड़ैल प्रकट हुई। मुझे लांग कर तुम इस गांव की सीमा के उस पार नहीं जा पाओगी, जाओ चली जाओ। उल्टी लटकी कमला की आत्मा सीधी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी और दीपक की तरह जलकर गायब हो गई। बदला बदला बदला, किसी भी तरह मुझे अपना बदला लेना है। दो अमावस्या बीतने पर मधिरा की प्रजा अपने गांव लौट आई और शांति से जीवन बिताने लगी। उस गांव में हमेशा की तरह शंकर साइकिल पर घी बेचने लगा। प्रिया, ओ प्रिया, मुझे देखो ना। प्रिया, ओ प्रिया, मुझे देखो ना। प्रिया, ओ प्रिया, मुझे देखो ना। ये क्या, उस कमला नामक चुड़ैल से पीछा छूट गए, अब ये कौन है? डर गए क्या तुम? हो, मैं तो एक बार के लिए डर गया, मुझे लगा कमला आ गई। जाओ जाओ, जाकर सीमा की रक्षा करो। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। 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 प्रियतम, ओ प्रियतम। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। जब भी अमावस्या आती तो उस गांव के लोग कांप उठते हैं। पहले जो आचार विचार थे वे लोग उसे पालन कर रहे थे, बलि भी दे रहे थे। कुछ लोग अंधविश्वास कहते थे तो कुछ लोग भूत प्रेत कहते। उस भूतों के बाद में कुछ दिन पहले जब रोड दुर्घटना हुई तब से लोग और भी डरने लगे, क्योंकि जहां दुर्घटना हुई वहां पर कोई शव नहीं मिली। एक महीना हो गया पुलिस वाले हर जगह शव की खोज किए पर वह शव नहीं मिली। लेकिन मधेरा गांव के लोगों का कहना है कि ये काम भूतों का ही है। अरे तुमने टीवी क्यों बंद कर दी? टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑन करो ना। तुम्हारा क्या, कल से वीकेंड एंजॉय करोगे? मुझे नाइट शिफ्ट करना है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। मधेरा पवन का गांव है ना, इसलिए ध्यान से सुन रहा था। हाँ पवन का ही गांव है, पर पवन अभी तक ऑफिस से नहीं आया। नहीं वीकेंड है ना, ऑफिस से सीधे अपने गांव चला गया। तुम सो जाओ, मैं अपने कमरे में जाकर बाकी का समाचार सुनता हूं। बाय। ठीक है बाय। अगली सुबह नाइट शिफ्ट खत्म कर राम हॉस्टल आकर सो गया। हेलो पवन, बोलो। अरे राम, बहुत अर्जेंट है, तुम्हारी मदद चाहिए। क्या करना है? कुछ नहीं, मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, मैनेजर कॉल करके अभी बताया। अच्छा, कॉन्ग्रेट्स। थैंक्स राम, पर तुरंत ही हेड ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना जरूरी है, इसलिए आज रात को मुझे चेन्नई जाना है। तो मुझे क्या करना है? मैं अपना लैपटॉप हॉस्टल रूम में छोड़ दिया हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तुम्हें मेरा हेल्प करना होगा। ठीक है लाऊंगा, पर क्या है ना, मैं नाइट शिफ्ट करके आया हूँ, थोड़ी देर आराम करके आता हूँ।
ओके ओके, थैंक यू भाई। हाँ पवन, बोलो। कहाँ तक पहुँचे? मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ हूँ। जल्दी आओ, अंधेरा हो रहा है। घबराओ मत, आ रहा हूँ। अभी तुम्हारे ट्रेन के लिए तो काफी वक्त है ना। यहाँ से तुम्हारा गांव 70 किलोमीटर है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे। अरे हमारे गांव के रास्ते में अंधेरा होने पर कोई नहीं रहता, और आज अमावस्या भी है। पिछले महीने अमावस्या के दिन ही एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली, इसलिए अंधेरा होने से पहले आ जाओ। डरने की कोई बात नहीं, मैं तो बस से ही आऊंगा ना। मेरे गांव के लिए बस की सुविधा नहीं है, हाईवे से उतरकर 30 किलोमीटर जंगल के मार्ग से होकर आना होगा। ऑटो रहेंगे, पर अंधेरा होते ही उस मार्ग से कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर तुम्हारे बाइक का की कहाँ है बताओ, मैं बाइक से ही आ जाऊंगा। कल ऑफिस जाते वक्त बाइक पंचर हुआ था, तो मैं मस्तान के शॉप में बाइक देकर चला गया, चाबी उसी के पास होगा। ठीक है, तो फिर मैं 1 घंटे बाद आता हूँ। अरे अगर तुम्हें सोना हो तो यहाँ पर आकर हमारे घर में सो जाना, जल्दी से आओ। अरे बाप रे, हमारे गांव का रास्ता भूतों का रास्ता है। कोई भूत भूत नहीं है। क्यों रे, तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? अरे पवन, चर्च मस्जिद मंदिर कहकर जिसका एड्रेस वो भगवान ही मुझे कभी दिखाई नहीं दिए, इसलिए मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है। वो भूत जिसका कोई पता ही नहीं और मुझे कभी दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं भूत नहीं मानता। किसने कहा एड्रेस नहीं है? शमशान घाट, बरगद का पेड़, पुराने घर, हमारे गांव का रास्ता, भूतों का एड्रेस ही तो है। ठीक है ठीक है, समय बर्बाद मत करो, मैं आ रहा हूँ। मस्तान, मेरे दोस्त का गाड़ी रेडी हुआ? नहीं साहब, 10 मिनट बैठिए, बना दूंगा। किसने कहा एड्रेस नहीं है? शमशान घाट, बरगद का पेड़, पुराने घर, हमारे गांव का रास्ता, भूतों का एड्रेस ही तो है। सर गाड़ी रेडी हो गई। इतनी रात को लिफ्ट मांग रहा है, ऐसे भी अजनबी को लिफ्ट देना रिस्क है। नहीं बाबा, से पहले वो यहां कैसे पहुंचा? मैं 10 किलोमीटर आगे आ चुका था, मेरे आगे और मेरे पीछे एक भी तो गाड़ी नहीं थी, पर वो मुझसे पहले कैसे पहुंचा? बाप रे, बच
बचाओ बचाओ। अरे बाप रे। साहब साहब गाड़ी तैयार है। तैयार है? अरे बाप रे। साहब कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी में है? पवन के गांव जा रहा हूँ मधिरा। बस अभी पहुंच रहा हूँ, और बस 30 किलोमीटर। पर तुमने अपने घर का पता नहीं बताया। घी का व्यापारी शंकर के पोते का घर पूछने पर कोई भी बता देगा, पर राम अंधेरा होने पर थोड़ी सावधानी से आना। पवन, हेलो, आवाज नहीं आ रही। घी का व्यापारी शंकर का घर, उसके बाद तुमने क्या कहा? अगर कोई पुकारे तुम पीछे मुड़कर मत देखना, मैं यही कह रहा हूँ। आवाज कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गांव पहुंचते ही कॉल करूंगा। बाय। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। प्रियतम, ओ प्रियतम, पीछे मुड़कर देखो ना। आधी रात हो गई। राम के ना आने के कारण पवन बहुत ही परेशान था। राम का फोन भी स्विच अप आ रहा था। कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जाकर अपने दादाजी को नींद से जगाया। दादाजी, दादाजी, क्या बात है? तुम्हारे ट्रेन का समय हो गया फिर भी तुम यहीं पर हो, शहर नहीं जा रहे हो क्या? नहीं दादाजी, मैनेजर को कॉल करके नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन किया हूँ। क्या बात है, परेशान लग रहे हो। मेरा दोस्त राम आपको मालूम है ना? पवन ने सारी बातें अपने दादाजी को बताई। बहुत बड़ी गलती कर दी। 1 घंटा में आने वाला, 5 घंटे बीत गए फिर भी नहीं आया। मतलब कुछ तो शक हो रहा है। ऊपर से आज अमावस्या भी है। जी दादाजी, पिछले अमावस्या को भी एक्सीडेंट से कोई मर गया था। कहा जाता है कि अब तक उसका शव भी नहीं मिला। 49 साल पहले कमला ने कई लोगों को शिला के रूप में बदलकर मार डाली थी। इतने सालों बाद फिर से उस मार्ग पर लोग गायब हो रहे हैं। क्या कमला की आत्मा फिर से आ गई है? पता है दादा, मुझे भी वही डर लग रहा है। आपने जैसे मुझे बताया कि किसी के भी पुकारने पर पीछे मुड़कर मत देखना, यही बात मैंने राम को भी बताई। ठीक है, सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना होगा कि लोगों के गायब होने के पीछे कमला का हाथ है या नहीं। कहिए दादाजी, मुझे क्या करना होगा? कुछ भी हो, मुझे अपने दोस्त राम को बचाना है। मेरे डायरी में मयंक तांत्रिक का पोता कुलांगो तांत्रिक का फोन नंबर है। उन्हें कॉल करके बताओ कि मैंने उन्हें बुलाया है, कहना कि अर्जेंट है। पवन ने कुलांगो जी को फोन पर सारी बातें बताई। तांत्रिक कल फ्लैट में आएगा दादाजी? कल सुबह हम अपने गांव चलेंगे, मंत्र वाली दादी से मदद मांगेंगे।
अगले दिन पवन और उसके दादा अपने गांव के लिए निकले मंत्र वाली दादी से मिलने के लिए। रास्ते में उनको राम का बाइक रोड के बगल में पड़ा हुआ दिखाई दिया। दादाजी ये देखिए, राम इसी बाइक से आ रहा था। मंत्र वाली दादी गुजरे हुए 6 महीने हो गए, यह जानकर शंकर को बहुत दुख हुआ। अरे दादी बहुत ही मदद की है, मदिरा के लोगों को और मुझे मौत के मुंह से बचाई है। मैं उसे एक बार भी देख नहीं पाया। हम लोग इस गांव को छोड़कर मदिरा चले गए, इसलिए दादी की गुजर जाने की बात हमें पता नहीं चली। दादाजी चुप हो जाइए, रोइए मत, चलिए चलते हैं। ऐसा कहते हुए दोनों मदिरा के लिए निकल गए। देखो ना प्रियतम, ओ प्रियतम पीछे मुड़कर देखो ना, प्रियतम ओ प्रियतम पीछे मुड़कर देखो ना, प्रियतम ओ प्रियतम पीछे मुड़कर देखो ना। पवन कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, कोई शक नहीं कमला की आत्मा फिर से आ गई, जल्दी से चलो। पवन सडन ब्रेक लगाकर शीला से टकरा गया। कार का डोर खुलने की वजह से शंकर नीचे गिर गया और सर पे चोट आई, वह बेहोश हो गया। दादाजी दादाजी आपको कुछ हुआ तो नहीं? प्रियतम ओ प्रियतम पीछे मुड़कर देखो ना, प्रियतम ओ प्रियतम पीछे मुड़कर देखो ना, प्रियतम ओ प्रियतम पीछे मुड़कर देखो ना, प्रियतम ओ प्रियतम पीछे मुड़कर देखो ना। पवन पीछे नहीं मुड़ रहा था पर डर से कांप रहा था। अरे पवन मैं राम हूँ, मैं रास्ता भटक कर कल से इस राह पर भटक रहा हूँ, एक बार पीछे मुड़ के देख तो पवन। ऐसा कहने पर पवन सच में राम सोचकर पीछे मुड़ा। शंकर जब आंखें खोलकर देखा तो अपने घर पर था, बगल में ही तांत्रिक था। पवन कहाँ है? पवन पवन शंकर जी पवन दिखाई नहीं दिया, मैं आज सुबह टैक्सी से आ रहा था, एक्सीडेंट हुआ कार, उसके पास ही मैं पड़ा हुआ आपको देखकर आपको घर ले आया। हमारा घर आपको कैसे पता? टैक्सी ड्राइवर आपके गांव का ही है, वही पहचान कर ले आया। पर मेरा पोता कहाँ है? घबराइए मत, मैं आया हूँ ना। ऐसा कहकर दोनों पिछले दिन रात को जहाँ पवन गायब हुआ था वहां पहुंचे। तांत्रिक अपनी हथेली में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर, यह एक मुट्ठी मिट्टी काफी है, मैं उसको सबक सिखाता हूं, चलिए आपके घर चलते हैं। प्रियतम ओ प्रियतम पीछे मुड़कर देखो ना, प्रियतम ओ प्रियतम पीछे मुड़कर देखो ना, प्रियतम ओ प्रियतम पीछे मुड़कर देखो ना, प्रियतम ओ प्रियतम पीछे मुड़कर देखो ना। शंकर जी इन 5 लोटा चमगादड़ के खून को आपके हाथों से इस रंगोली के बीच में डालिए, कसूची को जगाएंगे। जैसा तांत्रिक ने कहा शंकर वैसा ही किया। तब उसमें से एक सफेद रंग की आकार उठकर आई, चमगादड़ जैसा चेहरा बहुत ही भयंकर था। बताइए आपको क्या चाहिए? कसूची कमला की आत्मा फिर से यहाँ कैसे आई बताओ। बिना आयु पूरा हुए
कमला की आत्मा इस दुनिया को छोड़ी है, मगर बदले की आग में वह एक प्रेतात्मा बनकर घूम रही है। उसी वक्त उसे गंगाराम का बेटा आत्मा के रूप में घूमता हुआ दिखाई दिया। कमला के ऊपर प्यार से प्रेतात्मा बनकर कमला का इंतजार कर रहा था। कमला, इतने दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। बदला बदला बदला, तुम्हारे पिताजी की गलती की वजह से मैं और मेरी माँ बलि पर चढ़ गए हैं। न बदला पूरा हुआ, न शांति मिली। इसीलिए मेरी आयु भी लेकर तुम अपना बदला चुका लो। अब तुम्हारा आयु लेकर भी कोई उपयोग नहीं, मैं गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। मंत्र वाली दादी एक शैतान को गांव के रखवाले के लिए गांव के दामन में रखी है। जब तक वो मंत्र वाली दादी नहीं मरेगी, तब तक मैं गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। इस प्रकार कमला की प्रेतात्मा मंत्र वाली दादी के मरते ही उसका आयु को भी अपने में मिलाकर भूतों के मार्ग पर घूम रही है। मगर मेरे पोते का क्या हुआ? तुम्हारा पोता और उसका दोस्त दोनों को शिला में बदल दिया है। उनको कैसे बचा सकते हैं? मैं अपनी शक्ति से कमला की आत्मा को बुलाऊंगा, उसी से पूछो। तांत्रिक, तुम पवन के पांव के धूल पर उनके वंश से संबंधित किसी के खून को उसके ऊपर गिराओ। ऐसा कहते ही तांत्रिक ने मिट्टी को रंगोली के बीच में डाला। उसके ऊपर दादा अपना हाथ काटकर खून को डाला। तांत्रिक, मैंने जो मंत्र बताया है उसे 5 बार दोहराओ। ऐसा कहते ही कमला की प्रेतात्मा प्रत्यक्ष हुई। कमला बेटी, मदिरा के कितने लोगों को तुम मारी हो और तुम क्या बदला लेना चाहती हो? दया करके और किसी को कुछ मत करो, मेरा पोता और उसके दोस्त को छोड़ दो। छोड़ दूंगी, मेरा बदला पूरा होने के बाद इस मदिरा के सारे लोगों को मारना चाहती थी, मगर ये शंकर उस मंत्र वाले दादी के साथ मिलकर सबको बचाया है। पर मदिरा के लोगों में से कोई जीवित नहीं है। 30 साल पहले ही बाढ़ आकर पूरा गांव बहकर चला गया, सब मर गए। मेरा पैसा कमाने का जरिया मदिरा है, इसलिए मदिरा में प्यार से अपना गांव छोड़कर मदिरा में घर बनाकर रहने लगा हूँ। मुझे पता है, तुम अकेले को मारने से बस मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मगर इस लोक में आते ही शंकर जी को मारे बिना भूतों के मार्ग पर क्यों घूम रही हो? मैं फिर से इस लोक में आते ही तुरंत इसे मारने के लिए गई, पर इसके माथे पर बेताल चिन्ह है। मंत्र वाली दादी उसे बचाने के लिए बेताल चिन्ह इसे दान में दी है। उसकी महिमा की वजह से मैं उसे कुछ नहीं कर पाई, इसलिए मैं समय देखकर इसके पोते को शिला में बदल दी। ठीक है, पवन और उसके दोस्त को छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? इसका प्राण, शंकर का प्राण चाहिए। ठीक है, तो फिर मेरे प्राण लेकर मेरे पोते और उसके दोस्त को जीवित कर दो। अरे मूर्ख, मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती। तुम खुद मेरी आंखों के सामने मर जाओ, मेरा बदला पूरा हो जाएगा और मैं परलोक चली जाऊंगी। ठीक है, पर मैं कैसे भरोसा करूंगी तुम मेरे पोते और उसके दोस्त को जीवित करोगी? तुम्हारे मरने के तुरंत बाद मेरी आत्मा की शांति से उन शिलाओं में जान आएगी। तांत्रिक, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। मेरे जीवित रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए मेरा पोता का प्राण ही सब कुछ है। ये सारी बातें उसको बताना। मेरा बदला पूरा हुआ, मेरा बदला पूरा हुआ। तांत्रिक ने सारी बातें पवन को बताई। दादा का त्याग भाव को देखकर पवन को बहुत ही दुख हुआ। कमला की आत्मा को शांति मिली और वह परलोक पहुंच गई।